फॉर द पार्ट थ्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ. नोट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के. पहला फॉर्मूला इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, राइट? द फर्स्ट फॉर्मूला विच आई लाइक टू टॉक अबाउट हियर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, सो इट इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक बात बताइए मुझे, अगर इस फॉर्मूले में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस टू ए बी को अगर मैं इधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा? देयरफॉर बोलिए क्या बन जाएगा वो. देयरफॉर व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ए बी, इज इट नॉट? नहीं, इस टू ए बी को प्लस को यहां से उधर भेज दिया तो माइनस बनेगा ना, करेक्ट? डाउट्स है? चलिए दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको. सेकेंड फॉर्मूला इज ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब आप बताइए कि अगर ये माइनस टू ए बी उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा ना, इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ए बी. याद रखिए यहां पर जो मैंने लिखा है इसका दोनों का एलएचएस सेम है. अंडरस्टूड? इज दैट ओके? चलिए और एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं. थर्ड फॉर्मूला इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला विच सेज ए प्लस बी ए माइनस बी. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है, और एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ. लेट्स से क्यूब वाला फॉर्मूला. व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब? इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. और उसी को हम अलग भाषा में लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस थ्री ए बी एल टेक कॉमन. यहाँ पर ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. इज दिस क्लियर टू ऑल? सेम फॉर्मूला लिखा मैंने, है ना? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. देन राइट हियर एंड वन मोर फॉर्मूला विच इज ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब. इट विल बी ए क्यूब. इसका क्या होगा? अल्टरनेट प्लस माइनस. सो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. अच्छा, उसी को अगर मैं अलग भाषा में लिखूँ ए क्यूब, आई टेक माइनस थ्री ए बी कॉमन. यहाँ पर आएगा ए माइनस बी और यहाँ पर माइनस बी क्यूब. इफ आई राइट इट इन दिस फॉर्म एवरी टर्म इज माइनस हियर. समझ आ रहा है? अदरवाइज ऐसे लिखूंगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस है. आई होप दिस इज क्लियर. ये वाले फॉर्मूले हमको यूज करने होते हैं, ठीक है ना? ओके वेल लेट अस टेक दिस फर्दर नाउ. हम इसे आगे लेके चलते हैं. चलिए ये अगला वाला जो फॉर्मूला है, अगला वाला जो क्वेश्चन है. हाँ बोलो ना. स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ. ये एक स्टार क्वेश्चन है, स्टार प्रॉब्लम है. दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. अच्छा, अब इसमें यहां पर यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इनवर्टेंडो. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद है तुमको? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. चलिए मैं आपको बता देता हूं. या द थियरम्स ऑफ इक्वल प्रोपोर्शंस. थियरम्स ऑफ इक्वल प्रोपोर्शंस क्या होता है? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी देन
क्या होता है बताइए। बोलो, देन ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोनेंटो, राइट ना। ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड एज डैश डैश। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अच्छा, देन इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज कॉल्ड एज डैश डैश। इट्स कॉल्ड एज इनवर्टेंडो। अच्छा, देन ये डी इधर जाएगा और बी इधर जाएगा, सो दिस विल बिकम देन डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, सॉरी डी अपॉन ए, वन सेकंड, डी अपॉन ए इज इक्वल टू बी, d upon a is equal to c upon d upon b, shit, एक सेकेंड, अब क्या करना है मुझे, होल्ड ऑन प्लीज, लेट मी जस्ट बी क्लियर ऑन दिस। ये d इधर जाएगा और b इधर जाएगा, नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड, d इधर जाएगा, d यहां जाएगा और a यहां आएगा, तो क्या बन जाएगा? D upon B is equal to C upon A. This is called as alternando. Okay. और भी कुछ था? और भी कुछ था? क्या था? बताइए. Remember? Then, yeah, I would say A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. This is called as componendo and dividendo. याद है? Componendo, dividendo, दोनों club करने के बाद याद है, ठीक है? तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस question की solution. ये थोड़ा सा अलग type का सवाल है. We know that. We know what? We know that sec square theta माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताइए। अच्छा, व्हाट इज, अरे आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले अपने आप होने चाहिए फिर। व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी दैट यू रिमेंबर? सी देयर आर थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो कि मैंने यहां पर शुरुआत में लिखे हैं, दीज थ्री आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो आप उसमें से तीनों के तीनों याद रखिए, फिर बाकी इससे रिलेटेड जो है वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो आई एम आस्किंग व्हाट इज sec square theta माइनस tan square theta, इज इट प्लस वन माइनस वन जीरो, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी आप बताएं? हाँ, वन प्लस tan square theta इज इक्वल टू sec square theta। तो ये आप मन ही मन में नहीं कर सकते कि इस tan square theta को इधर भेज दिया तो क्या मिल जाएगा, वन मिलेगा, यस और नो, एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक है, फिर मैं इसे फैक्टराइज करना चाहूंगा, आई लाइक टू फैक्टराइज दिस नाउ। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो क्या मिल जाएगा जी? इज दिस लुकिंग लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो? LHS, सो इज दिस ए प्लस बी ए माइनस बी? हेलो, अगर मैं यहां पर अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन, यस और नो? ये ब्रैकेट यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई डिवाइड इट ऑन द अदर साइड, क्या मिल जाएगा बताइए? क्या मिल जाएगा बताइए? sec थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? इज इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा, इज दिस ओके?
यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है वन। अब मुझे बताइए कि भाई इज दिस लुकिंग लाइक ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जी नहीं? अब यहां पे मैं इसका करूंगा sec थीटा माइनस tan थीटा, इसका मैं पहले इन्वर्ट एंडो करूंगा, क्या आएगा बताइए? लुकिंग एट दिस, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? दिस आई एम गेटिंग टू नो बाय लुकिंग एट व्हाट आई एम सपोज टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है उसको देख के ये मैं सब करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे जो चाहिए वो है sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस वन, इस तरह का कुछ चाहिए। सो फर्स्ट आई विल डू इज इन्वर्ट एंडो। इन्वर्ट एंडो क्या होता है? व्हाट इज इन्वर्ट एंडो? उल्टा, रेसिप्रोकल लेने का उसका, रेसिप्रोकल लेने का उसका। तो इन्वर्ट एंडो मतलब क्या होता है? बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो यहां पर अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताइए? यस, वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन वन, करेक्ट। अब इसका मैं करूंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझे? या तो उल्टा अगर करता हूं मैं कि डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, तो क्या बनेगा? डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो मतलब क्या होता है इसका? करेक्ट, ए माइनस बी अपॉन। तो यहां पे बताइए क्या होगा? वन प्लस, सॉरी वन माइनस ना, डिविडेंडो कंपोनेंटो बोला ना हमने, तो नहीं मामू उल्टा बोल रहा है तू, ये देख कंपोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, तो मैं करूंगा डिविडेंडो कंपोनेंटो, बताइए क्या होगा? वन माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी? वन प्लस दिस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस वन, इज दिस ओके? वेल अब इसको ओपन कीजिएगा, आई थिंक वी आर देयर, आर वी? चेक करो, विल जस्ट ओपन दिस नाउ, देखो क्या आएगा इफ आई ओपन दिस, शायद मुझे जो चाहिए वही मिल जाएगा। इट विल बी वन माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय, बोलिए नीचे क्या आएगा? वन प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन, और डिनोमिनेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस वन। आई थिंक इट्स द सेम थिंग दैट आई वांट टू प्रूव, प्लीज चेक, इज इट? तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से, वी कैन नॉट स्टार्ट इट विद LHS, इसको LHS से शुरू नहीं करना है, किसी और चीज से, इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, विल टेक दिस फर्दर। आई स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज नाउ, आई कंटिन्यू, ठीक है? मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए लेट्स बिगिन नाउ, वेल लेट्स बिगिन हियर, आई स्टार्ट विद द LHS। LHS इज सेइंग साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस
cos square a into sin square b plus cos square a into cos square b plus sin square a plus sin square b into sin square b. Sorry. Okay, let's see. Well, first of all, I'll like to combine, देखे, ये जो cos square b common है, तो I'll combine these two terms. And यहाँ पर sin square b common है, तो I'll combine these two terms. समझ में आ गया? तो, भई अगर ये दो terms में से मैंने cos square b अगर common ले लिया, तो bracket में क्या बचेगा? और इन दो terms में से मैंने sin square b common ले लिया, तो bracket में क्या बचेगा? यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. करेक्ट. यहां पर साइन स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो दिस इज गोना बी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. अब हमको तो पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज वन, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज वन. तो क्या बचेगा फिर यहां पर? दिस विल बी कॉस स्क्वायर बी. इसका जस्टिफिकेशन रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी. वंस अगेन, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इज वन एंड दैट इज इक्वल टू आर एच एस. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लुक एट द क्वेश्चन हियर. क्या दिया है क्वेश्चन? वन प्लस कॉट थीटा टैन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा प्लस माइनस कॉस. लेट्स बिगिन विद द एलएचएस हियर. I'll start with the LHS. RHS में मुझे साइन और कॉस चाहिए. RHS में मुझे सिर्फ साइन और कॉस चाहिए. सो दिस इज लाइक वन प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा. ठीक है? सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा. बताइए भाई कैसे करेंगे? विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दिस इज वन प्लस कॉट थीटा की जगह पर क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, प्लस टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इजंट इट? और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. इस प्रॉब्लम को मैं स्टार प्रॉब्लम बोलूंगा. इट्स रियली अ स्टार प्रॉब्लम. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सेक क्यूब थीटा, मतलब क्या आएगा? कॉस क्यूब थीटा माइनस वन अपॉन साइन क्यूब थीटा. करेक्ट. ओके जी, अब इसका मुझे एलसीएम एलसीएम खेलूंगा तो क्या बनेगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा. और बाकी न्यूमरेटर में भी अगर मुझे एलसीएम लेने की जरूरत पड़े तो कैसे ले? न्यूमरेटर का एलसीएम मैं ले लूंगा सिर्फ इन दो टर्म्स के लिए, तो क्या बनेगा वो? चलिए देखते हैं क्या क्या बनेगा. लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. न्यूमरेटर में होगा ये वाला ब्रैकेट पहले. तो ब्रैकेट क्या बनेगा? वन प्लस, वन प्लस यहां पर इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लिख लूं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. एनी डाउट सो फार? ओके, यहां पर दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी एज इट इज. लेकिन डिनोमिनेटर में इसका दोबारा एलसीएम बन जाएगा जी. इसका एलसीएम बन के क्या होगा बताइए? दिस विल बिकम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा. समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा. इज दिस ओके? चलिए, अब
अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बाय द वे इस ब्रैकेट का अगर एलसीएम मैं ले लूं तो क्या बन जाएगा, प्लीज टेल मी। सो दिस इज गोइंग टू बी इफ आई टेक द एलसीएम फॉर दिस, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? देखिए ये साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बनेगा, इज गोइंग टू बी वन, राइट? तो ये साइन थीटा कॉस थीटा इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इसमें बिकम साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। वेल ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दिस विल गो अप इन द न्यूमरेटर, यस और नो? नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर यहां पर है ए अपॉन बी और यहां पर है सी अपॉन डी, तो ये डी ऊपर नहीं जाता है, आई मीन दिस विल बिकम ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, यस और नो? तो उसी प्रकार ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, सो व्हाट यू गेट देयर, यस दिस विल बिकम cos cube theta into sin cube theta and divided by ये यहां पर ही रहेगा denominator के अंदर, this is sin cube theta minus cos cube theta, is this clear to you? Any doubts about that? Okay? अब यहां पे ये इसके साथ उड़ जाएगा, cancel हो जाएगा, पता है? यहां पर cube है तो इसमें से एक एक चला जाएगा और यहां पर स्क्वायर बचेगा, यस और नो? समझ में आया? इजंट इट? तो आई विल डायरेक्टली पुट इट हियर, ले दिस इज, इसमें से एक जाएगा स्क्वायर बचेगा, इधर भी एक जाएगा स्क्वायर बचेगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग आई सी हियर इज दिस टर्म, इस टर्म के लिए मैं लिखूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन मैं आपको बताना भूल गया, ऊपर के फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा मुझे फैक्टराइजेशन, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, क्या फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आई कैन ऐड हियर ओवर हियर फैक्टराइजेशन, जैसे ये वाला एक फैक्टराइजेशन है वैसे और एक फॉर्मूला होगा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नंबर सिक्स बोल सकता हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, और दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, याद है किसी को? चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं, इट इज ए माइनस बी इंटू इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर चेंज द साइन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर यह होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहां पर माइनस होगा और मिडिल साइन प्लस होगा, इफ इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इट इज ए प्लस बी और मिडिल साइन माइनस होगा, इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये एक और एक फॉर्मूला है, आई विल कॉल दिस इज नंबर 7 8, इज दैट ओके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को मैं यूज करना चाहता हूं यहां पे, तो आई वुड लाइक टू यूज इट ओवर हियर, अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज एक्चुअली ए माइनस बी इंटू पहले का स्क्वायर चेंज द मिडिल साइन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड? चलिए अगर मैं यहां पर अप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, बी व्हाट यू गेट देयर, यहां पर न्यूमरेटर में बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन, फिर यहां पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर है क्या? ये आइडिया मुझे इस टर्म ने दे दिया, एक्चुअली दिस टर्म गेव मी द आइडिया, ये वाले टर्म ने मुझे इसका आइडिया दे दिया, समझ में आ गई बात? चलिए
यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इज दिस ओके? समझ में आ गया? कुछ कैंसिल हो रहा है? ये वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है नहीं? अच्छा बाय द वे व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो क्या बन जाएगा वो? न्यूमरेटर में जो है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन इंटू ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बराबर है क्या? एंड दिस ब्रैकेट इज अगेन गेटिंग कैंसल नाउ, नहीं? बराबर है क्या? सो व्हाट रिमेंस देयर? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आर एच एस, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वुड प्रूव। ये रहा, इट्स अ स्टार प्रॉब्लम या हाफ स्टार? चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's take this further. Yeah. कैसे करेंगे? और कुछ आसान सोचो। LHS is equal to, अपने पास तीन ही फॉर्मूले हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज, उसी को अपने को यूज करना है। चलिए देखिए, यहां पे दिस इज टैन थीटा। मेरे पास एक फॉर्मूला है जो शायद मुझे हेल्प कर सकता है। दिस इज नहीं नहीं वन अपॉन कॉस इज सेक, वन अपॉन कॉस इज सेक ना, प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। There is a formula connecting sec theta and tan theta. कौन सा formula है? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ये formula पता है मुझे, है ना? Isn't it? So what I'll do here is I'll open these brackets. क्योंकि मुझे लगता है शायद वो मुझे help करेगा यहाँ पर. So if I'll open the bracket, can you help me in opening the bracket, please? Answer. करो ना. tan square theta, everybody please try to answer. tan square theta plus x square theta, okay, फिर plus tan theta, और बाबा इसको ओपन करो ना अच्छे से, ये बराबर है ओपन किया हुआ? ये ब्रैकेट सही है तुमने जो ओपन करके बता दिया? इफ आई वांट टू ओपन दिस, देयर इज अ फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर which is a square plus 2ab plus b square, whereas अगर मुझे ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है तो मुझे फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब आप बताओगे मुझे प्लीज? चलिए बताइए एवरीवन। tan square theta प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू इंटू टेन थीटा सेक थीटा, बराबर है क्या? प्लस सेक स्क्वायर, ये बनेगा सही है? कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ ये देखिए ना, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अच्छा तो वहां पर क्या आ गया मुझे? टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक्स स्क्वायर थीटा, नो दैट इज इक्वल टू टू कॉमन टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा, सही है ना?
लेट अस कन्वर्ट दिस एवरीथिंग, क्योंकि अब मैं इसको फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकता, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला फॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा. सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा है, लेकिन प्लस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. डोंट से टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज वन, नो. तो लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. सो दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. कैन आई टेक द एलसीएम देयर? हाँ, एलसीएम एलसीएम टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. भाई मुझे चाहिए क्या वहां पर आरएचएस में? आ गया ना, वी आर देयर ऑल, वी आर ऑलमोस्ट देयर. कैसे? टू टाइम्स न्यूमरेटर इज वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड द डिनोमिनेटर इज कॉस स्क्वायर थीटा विच इज एक्चुअली वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इज दिस ओके? दैट इज इक्वल टू आरएचएस. इज दिस ओके? Any doubts about that? Next question I'll go for. चलिए शुरू करते हैं अगला वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ अवस्था. LHS is equal to, देखिए मुझे cot और tan चाहिए. This is 2 sec square theta minus sec theta raised to 4 minus 2 times cosec square theta plus cosec theta raised to 4. How's that? देखिए कौन सा formula use कर सकते हैं आप बताइए मुझे. क्या क्या क्या? 1 plus is equal to sec square theta है या cosec square theta है? हाँ, और दूसरा 1 plus tan square theta is equal to, चलिए ये वाले फॉर्मूले मुझे याद है और वही यूज करने हैं मुझे. कैसे करेंगे बताइए. आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी कन्वर्टेड इंटू cot and tan. कहाँ पे थ्री हो जाएगा? नहीं, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ लिखा है. अब ये दो टर्म्स अगर मैं कंबाइन कर लूं और ये दो टर्म्स अगर मैं कंबाइन कर लूं तो शायद मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं. सेक नहीं, सेक स्क्वायर. अल्टेक सेक स्क्वायर थीटा कॉमन. सही है? इन ब्रैकेट सेक्स स्क्वायर थीटा. ओके, और कुछ नहीं कर सकते? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. या तो फिर ऐसा कर लेते हैं भाई, क्योंकि अपने को तो चाहिए ही नहीं ना टेन वगैरह, सॉरी सेक वगैरह चाहिए ही नहीं अपने को. तो व्हाट आई डू हियर इज मैं काम करता हूं, मैं इस sec square को लिख, sec theta raise to 4 को लिखूंगा sec square theta का square और इसे लिखूंगा cosec square theta का square. Is this okay? और अब मैं हर sec square theta के लिए लिखूंगा ये वाला formula यहां पे और यहां पे, और मैं हर cosec square theta के लिए लिखूंगा ये वाला formula यहां पर और यहां पर. इज दिस ओके? तो उसमें से sec cosec सब चला जाएगा, सिर्फ tan और cot ही रहेगा. देखते हैं तो क्या मिलेगा बताइए. इट विल बिकम 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड दैट, माइनस 2 इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ओपनिंग द ब्रैकेट्स, मतलब स्क्वायर करते समय आपको, क्योंकि a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज नॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहां पर मुझे a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर और यहां पर भी a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर.
ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ उसको ब्रैकेट को इस तरह से ओपन करना पड़ेगा, तो बताइए क्या आएगा, इट्स बिकम टू प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, यू अंडरस्टैंड, प्लस यू जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, ये प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है बाय द वे बाहर, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू वन इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज टेन थीटा रेज टू फोर, कैन आई राइट इट डायरेक्टली, समझ में आ गया, माइनस टू ये रहा, माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा, सही है, माइनस नहीं सॉरी प्लस, अब ये ब्रैकेट में ब्रैकेट का स्क्वायर वन प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा, कैन जस्ट ओपन द डोर, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज कॉट थीटा रेज टू फोर, इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर, ठीक है, अब इसको अच्छा, तो यहां पर क्या आएगा, अभी देखिए, वी जस्ट हैव टू, वी आर एट द लास्ट स्टेप यू नो, देखिए ओपन द ब्रैकेट्स नाउ एवरीथिंग, ठीक है, एंड राइट द लाइक टर्म्स बिलो ईच अदर, तो दिस इज टू प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसके नीचे लिखा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा लाइक टर्म्स प्लस सॉरी माइनस टेन थीटा रेस टू फोर, सही है, फिर यह आएगा माइनस टू अगेन, ओके, देन दिस इज माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा, सो राइट इट हियर, माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज प्लस वन, आई विल राइट इट हियर, प्लस वन प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा रेस टू फोर प्लस कॉट थीटा रेस टू फोर, अब देखिए क्या बचा है यहाँ पे, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, जस्ट यस प्लीज, दिस विल बी टू और माइनस टू कैंसल, माइनस वन प्लस वन कैंसल, गॉन ना, प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा कैंसल, माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा कैंसल, सो व्हाट रिमेंस देयर इज माइनस टेन थीटा रेस टू फोर एंड प्लस कॉट थीटा, सो आई राइट इट एज कॉट थीटा रेस टू फोर माइनस टेन थीटा रेस टू फोर, एंड आई थिंक दैट्स द आर एच एस दैट वी आर लुकिंग फॉर, इज इट, ये देखिए, ठीक है, ओके, नाउ आई विल पॉज इट हियर,